हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डॉक्टर रिकवेज R13 पाइल्स ड्रॉप। R13 को हम पाइल्स ड्रॉप कहते हैं बिकॉज इसका इस्तेमाल हम पाइल्स के ट्रीटमेंट में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुख्य लाभ क्या है बवासीर में, पाइल्स में। अब पाइल्स दो प्रकार की होती है, एक खूनी बवासीर, एक बादी बवासीर। तो खूनी में क्या होता है, जिसमें क्लियर है कि इसमें ब्लड आता है आपके एनस से, ठीक है, एनस में सूजन हो जाएगी, वहाँ पे जलन होगी, दर्द होगा, गांठ बन जाएगी और क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा आपके शरीर से। और बादी बवासीर में क्या होगा, देर इज नो ब्लड कमिंग, मतलब कि बादी बवासीर में सेम आपके जो है सूजन होगी, इचिंग होगी बहुत, लेकिन खूनी बवासीर से ज़्यादा दर्द बादी बवासीर में होता है। ठीक है, वो एड़ियों की तरह, जैसे एड़ियाँ आपकी फट जाती है, सेम उसी तरह एनएस की भी कंडीशन हो जाती है, लेकिन उसमें से ब्लड नहीं आता, वह सूखी बवासीर कह सकते हो आप उसे। तो इसके ट्रीटमेंट में, खूनी तथा बादी बवासीर के ट्रीटमेंट में, हम डॉक्टर रिकवेज R13 पाइल्स ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा डोज क्या होगा, सेम टेक 10-15 ड्रॉप्स टीडीएस 3 times a day बिफोर आफ्टर मील। आप भोजन के पहले या भोजन के बाद में 15 से 20 ड्रॉप आप दिन में 3 times यूज कर सकते हो। निर्देश डायरेक्शन क्या होगा, ऑन द एडवाइस बाय योर डॉक्टर, आपके डॉक्टर के बताए गए मतलब डोज के हिसाब से आप फॉलो करेंगे। ठीक है, दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स क्या है, देयर इज नो साइड इफेक्ट्स आर सीन। अगर आप R13 का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत लोगों में कोई साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिला। ठीक है फ्रेंड्स, वार्निंग क्या है, प्रेग्नेंट लेडी एंड बेबी फीडिंग मदर्स, गर्भवती महिला और बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं में नो एनी आइडियाज, इसमें कोई आइडिया तर्क नहीं लगाया गया कि इसमें साइड इफेक्ट्स, इसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही प्रेग्नेंट लेडी और बेबी फीडिंग मदर्स को यह मेडिसिंस R31 दीजिएगा। ठीक है, किडनी पेशेंट, लीवर पेशेंट एंड हार्ट पेशेंट, इन लोगों के लिए यह बिल्कुल सेफ है।